हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, सो दैट कि आपको पता चले कि डीजल गाड़ी, सीएनजी गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी में कितना फ़र्क होता है। अब इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, प्याजो की इलेक्ट्रिक नंबर वन गाड़ी। ये इसका टेलीमेटिक सिस्टम है, गाड़ी कहाँ पर है वो देख सकते हैं। ये इसका गियर सिस्टम मैंने पहले बताया था, ये न्यूट्रल, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड, यदि बूस्ट मोड, यदि बहुत कहीं आपको अचानक पावर की जरूरत है। हम अभी इसे न्यूट्रल रखते हैं, न्यूट्रल रखते ही ये न्यूट्रल की लाइट आ गई। अब इस गाड़ी में फैसिलिटी है एक्सेलेटर ब्रेकिंग की, लाइक आपको फुट का जो ब्रेक है वो यूज़ नहीं करना है, खाली आपको एक्सेलेटर से गाड़ी को आप रोक सकते हो। देखिए गाड़ी आपके सामने खाली है, खप के अंदर गाड़ी है। मैंने गाड़ी को अभी यहाँ से बूस्ट मोड में किया, फॉरवर्ड मोड में किया और ये फॉरवर्ड में गाड़ी आ चुकी है। अभी ये गाड़ी का बैटरी का इंडिकेटर है, कितना बैटरी चार्ज है, गाड़ी की स्पीड जीरो है। अब मैं गाड़ी को एक्सेलेट कर रहा हूँ, देखिए गाड़ी चल पड़ी, ये देखिए। अब ये गाड़ी जैसे ही चलेगी तो मैंने अभी इसको एक्सेलेटर छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ दिया, देखिए और ये गाड़ी खुद से रुक गई, मैंने ब्रेक नहीं दबाया। ये गाड़ी के अंदर, इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक सिस्टम होता है जिसके अंदर की मोटर को पावर नहीं मिलेगी तो वो गाड़ी आपकी तुरंत रुक जाएगी। और इस गाड़ी में एक ब्रेकिंग रीजनरेटिव सिस्टम है, यदि जब आप गाड़ी को एक्सेलेटर छोड़ते हो या ब्रेक अप्लाई करते हो तो इसका बैटरी खुद से चार्ज होता है, पहिए की व्हील की ताकत से चार्ज होता है। मैं आपके सामने एक्सेलेटर छोड़ूंगा और ये देखिए अभी ये एक लाइट आएगी, गाड़ी चल रही है अभी आपके सामने। और जैसे ही गाड़ी का एक्सेलेटर हम रिलीज करेंगे तो गाड़ी का ब्रेकिंग रीजनरेटिव सिस्टम जो बैटरी चार्जिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये मैंने छोड़ा और ये देखिए ये आ गया लाइट, ये आपने नोट किया हुआ ये लाइट आया, अभी ऑफ हो गया और गाड़ी भी रुक गई। तो ये गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी फायदा ये है कि बिना, देखिए मैंने पैर दूर रखा है अपना और ये गाड़ी चल रही है, एक्सेलेटर ब्रेक से गाड़ी चल रही है और मैंने अभी एक्सेलेटर छोड़ा और गाड़ी रुक गई, मैंने ब्रेक भी अप्लाई नहीं किया। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में ये बहुत अच्छी सुविधा है, ड्राइवर को के लिए चलाने के लिए आरामदायक है, गाड़ी कंफर्टेबल है, आप गाड़ी के अंदर खर्चा भी कम है। प्याजो का थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक में नंबर वन है, टेक्नोलॉजी बेस्ट है, सबसे अच्छी गाड़ी है, डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, सारे फीचर हैं, कार लाइक फीचर हैं, पूरी स्टील की बॉडी है। तो एक ही छोटा सा फीचर मैंने आपके साथ शेयर किया जिसके अंदर गाड़ी एक्सेलरेटर छोड़ने पे गाड़ी खुद से ब्रेकिंग लेती है। जल्दी जो दूसरी गाड़ी होती है उन गाड़ियों के अंदर ये सुविधा इंजन के पेट्रोल डीजल के अंदर जनरली ऐसा नहीं होता, आप जानते होंगे, आप लोगों को उसका तजुर्बा है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये एक अलग चीज़ है। मेरे साथ सागर जी हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप एक बार कैमरा पकड़िए और ज़रा एक बार ऐसे फोकस कीजिए कि ये गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम मेरा पैर सब दिखाई दे और ऐसे आप ऐसे कीजिए, बस अभी देखिएगा एक्सेलेटर में से ये चला रहा हूँ और छोड़ूंगा, गाड़ी रुक जाएगी, ब्रेक अप्लाई नहीं करूँगा। देखिए ये गाड़ी चल पड़ी, गाड़ी स्पीड दिखाई दे रहा है एक बार, मीटर चल रही गाड़ी। और ये मैंने गाड़ी का ये एक्सेलेटर में अभी यहाँ पे खुली जगह यहाँ छोड़ देता हूँ, ये मैंने गाड़ी का एक्सेलेटर छोड़ा और गाड़ी रुक जाएगी, देखिए बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है, चलाने आरामदायक है, कोई क्लच ब्रेक वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। आई होप ये जानकारी, मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, यदि आई है तो आगे इस जानकारी आगे बढ़ाएंगे। और यदि किसी को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है या कुछ और आपको उसके विषय में जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।